जब अंड का निषेचन ना हो तो क्या हो, जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो होता क्या है, तो टूट जाती है, टूट के बहने लग जाता है, और इसी बात को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। बहुत डिफरेंसेस में आपने देखा है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, धमनी शिरा में अंतर, स्वपरागन, परपरागन, उसके अलावा आपने देखा जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, उसके अलावा प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक लिंगी पुष्प, अवैलिंगी पुष्प, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, न जाने कितनी सारी बातें हमने करा है, मेंडल का प्रयोग देखा है हमने, कारण बताओ बताई है, किसी हार श्रृंखला में 10% से नियम ज्यादा क्यों लगता है, चिंतमानों की यही क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बस धीरे धीरे हमारी मैथमेटिक्स की तैयारी हो गई है, और अब हम लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है ना। स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि भैया फटाफट अंदाज में अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम ऐसी बताएंगे जो पिछले 10 से 12 सालों का निचोड़ है ना। हमने इसको एक नोटबुक में लिखा है और उसके बाद इसकी प्रिंटिंग कराई है ना, और उसके बाद हमने आपके लिए, आपको आपके यूट्यूब के सेक्शन में हम ये डाल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो लगातार ऑब्जर्व करो जब तक मैथ्स मिरेकल आपके लिए बनाता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिरेकल पर ही मिलेगा, और ये काफ़ी सोच विचार गहन अध्ययन के बाद सबको एक जगह समराइज करके फिर हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आइए सीधा बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कारण बताओ वाला नो क्वेश्चन। कहता है कि अलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी क्यों होती है। आप क्वेश्चन का इंटेंशन देखो और फिर बताना कि क्या ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना भयानक है। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। स्टूडेंट्स अलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी क्यों होती है, तो क्या होता है इसका एक ही वर्ड में आंसर है कि अधिक रक्तचाप होने के कारण, अधिक रक्तचाप होने के कारण रुधिर को ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अलिंद जो होता है उसकी जो अपेक्षा निलय वाली जो मोटी होती है वो बिल्कुल मोटी होती है। ध्यान रखेंगे उसकी भित्ति जो होती है, दीवार जो होती है मोटी होती है। अच्छा दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी आहार श्रृंखला में 3 से 4 से ज्यादा पोषी स्तर नहीं पाए जाते क्यों। देखो दोबारा समझो कि किसी आहार श्रृंखला में आप 3 से 4 यानी 3 से 4 ज्यादा ज्यादा होता है, उससे ज्यादा पोषी स्तर नहीं पाया जाता, पता है क्यों? क्योंकि देखो 10% नियम के अनुसार क्या बोलता है कि जो लास्ट वाला जो बचेगा उसमें तो उसका उसकी एनर्जी बिल्कुल ही कम मिलेगी ना, तो इसीलिए लास्ट वाले आहार श्रृंखला में सबसे अंतिम में जो होगा उसकी जो उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें पोषी स्तर की कम उपलब्धता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10% नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्तर होने से क्या होता है ऊर्जा बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कम से कम 3 से 4 पोषी स्तर होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं, देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक, जिसका नाम है अंतर स्पष्ट करें। देखो 4-5 चीजें हम बताएंगे जिसमें एक से एक या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे है ना, तो 110% समझो कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या है, धमनी शिरा में अंतर हम बताएंगे आपको, स्वपरागन परपरागन में अंतर बताएंगे हम आपको, यहीं पर बताएंगे जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण, उसके बाद हम बताएंगे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, साथ ही साथ हम आपको यहाँ डिफरेंस करके बताएंगे एक लिंगी पुष्प और उभय लिंगी, और लास्ट में हम बताएंगे आपको अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या डिफरेंसेस है। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं कि अंतर स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर क पॉइंट्स में हमने बनाया है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस क्या है, तो देखो ऑक्सीजन के स्तर पे हम बात करेंगे, अगर बेसिक स्तर पे बात करेंगे तो 3-4 पॉइंट्स हमने लिखा है, ऑक्सीजन होने का स्थान, ऊर्जा उत्पाद, बाकी बारी बारी से देखेंगे। ऑक्सीजन अवायवीय श्वसन में उपस्थित होता है, अवायवीय श्वसन में उपस्थित नहीं होता है, और ये कहां पे होता है वायवीय श्वसन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। इसके अलावा हम बात करेंगे वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा होता है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा थोड़ा कम होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि वायवीय श्वसन में उत्पाद क्या-क्या मिलते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाता है, वहीं पे हम अवायवीय श्वसन की बात करेंगे तो हमें मिल जाता है एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, और साथ ही साथ हम क्या मिल जाता है, हमें CO2 भी मिल जाता है। तो ध्यान से देखेंगे एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और इसके अलावा हमारा CO2। तो इस तरह से आपने देखा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में आप अंतर समझ सकते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट धमनी और शिरा में अंतर, फटाफट अंदाज
बाद में देखते हैं। कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है इसमें, है ना, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन वाला रक्त। धमनी में कौन सा रक्त जाता है, हमेशा ऑक्सीजन वाला जाता है, और शिरा में बिना ऑक्सीजन वाला। बस फटाफट दिमाग में सेट कर लो स्टूडेंट्स, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं यही आने वाला है, और यकीन मानो हर एक साल जब भी आप बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सेट आप निकाल के बैठोगे, जो प्रीवियस ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार लोगों ने दिया है, तो उसमें क्या है कि आप ये क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं कि धमनी और शिरा में अंतर। धमनी में ऑक्सीजन वाला खून होता है और शिरा में बिना ऑक्सीजन वाला खून होता है। अच्छा होता क्या है, काम क्या है, किधर से किधर लेके जाता है, तो दिशा की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है धमनी में क्या होता है, हृदय से अंग की तरफ जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला होता है तो इसको हृदय से अंग की तरफ लेके जाएंगे, और इसके उलट यहां पे क्या होगा कि अंगों से हृदय की तरफ जाता है, यानी कि ये गंदा खून होता है कुल मिला के बोले तो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अच्छा बीती की बात करें तो धमनी वाला मोटा होता है और सीरा वाला थोड़ा कम मोटा होता है, होता तो ये भी है बट थोड़ा कम होता है। बल्ब इसमें नहीं होते स्टूडेंट्स, बल्ब जिसमें नहीं होते और इसमें होते हैं ना, और धमनी में क्या होता है ये सतही नहीं होते, और सीरा जो होते सती होते हैं। अब देखो सती होता है क्या है, सती नहीं होता क्या है, ये तो हम जब किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चला होगा, क्योंकि आपके टीचर्स ने खूब आपको बताया होंगे। स्व परागण और पर परागण में हम एक एक डिफरेंस देख लेते हैं कि स्व परागण क्या होता है, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, ये यहां पर लिखा हुआ है वर्तिकाग्र स्टूडेंट्स, वर्तिकाग्र। और यहां पे देखो पर परागण में क्या करेंगे, एक फूल क्या होता है दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर ये काम करता है, वर्तिकाग्र पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्व परागण और पर परागण में क्या डिफरेंसेस है कि स्व परागण जो होता है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर ये चीजें होती हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ध्यान से सुनोगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स घ यानी कि चौथा डिफरेंस, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ध्यान से देखेंगे कुछ भी नहीं है। परिभाषा के स्थिति से अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदला जा सकता है, है ना, ध्यान से सुन लो। सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर काफी समय बाद अगर इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो सूक्ष्म जीव यानी किण्वन के द्वारा इसको क्या होता है कि एक 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 फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एक सरल पदार्थ से दूसरे सरल पदार्थों में इसको हम बदल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि फल सब्जियों के छिलके हो जाते हैं, कागज हो जाएगा या सूत हो जाएगा या फिर जूत हो जाएगा, इस तरह के जो चीजें होती हैं वो सूक्ष्म जीव द्वारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं पे अजैव की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदले, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये प्लास्टिक होते हैं, कांच होते हैं, धातु होते हैं, पॉलिथीन होते हैं, ये कभी नहीं बदलते स्टूडेंट्स। तो ये मेन फैक्टर है, मेन डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखना चाहिए, आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम यहीं पर बात कर लेते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण देखो, जिसे प्रकट होने के लिए जीन की एक ही प्रति हो पर्याप्त है। अच्छा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण क्या है, इसमें डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण में क्या होता है, जैसे देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर जहां पे कैपिटल टी होता है तो इसका मतलब होता है कि पौधा क्या होता है हमेशा लंबा होता है ना, वो आपने देखा होगा वहां पर, आपको चैप्टर में ही पूरा क्लीन करके बताया हुआ है कि जिसमें ये होता है, ये आपका डोनर होता है, आपको ये पहले से पता है ये डोनर होता है, और स्मॉल टी होता है जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर होता है, ये डोनर होता है। तो देखो जहां भी कैपिटल टी हो जाएगा इसका मतलब वो डोनेट कर जाएगा ना, चीजों को अपने में मिला लेगा, तो ये होता है डोनर। डोनर होने की वजह से अगर ये कैपिटल टी है तो लंबा पौधा हो जाएगा, अगर स्मॉल टी हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ, तो आप देखो कि स्मॉल टी होने की वजह से ये बौना पौधा हो जाएगा। तो प्रभावी लक्षण क्या होगा कि इसमें एक ही कॉपी काफी है, यानी एक ही कॉपी काफी, आप देखो टी अकेला ही काफी है, और इसमें अप्रभावी लक्षण में क्या होता है कि दोनों को रहना जरूरी होता है, तो ये स्मॉल टी दोनों मिल करके बौना पौधा बनाएगा, और चूंकि ये डोनर है और स्मॉल टी रिसीवर है, तो रिसीवर की अपनी वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो डोनर होने की वजह से लंबा पौधा है इसमें। तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण में ये ध्यान रखना है कि प्रभावी लक्षण में वो होता है जो प्रभाव डालता है, यानी कैपिटल टी अपने जैसा बना देगा, और अप्रभावी जो कि टी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है, स्मॉल टी होने बौना पौधा यहाँ पे बन जाएगा। स्टूडेंट्स हम यहीं पे फटाफट अंदाज में देख लेंगे कि एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में क्या डिफरेंस है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देख रहे हैं और लगातार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास 10 बोर्ड की तैयारी चल रही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के आने वाले हैं हम उसके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। देखो
परिभाषा की बात करेंगे तो स्त्री केसर और पुंकेसर है ना, यहाँ पे कोई एक जननांग होते हैं। हमेशा एकलिंगी पुष्प में दोनों में से कोई एक ही जननांग होगा, जिसमें स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। अगर उसमें कोई एक होगा तो वो समझो एकलिंगी पुष्प है, जैसा कि पपीता और खरबूजा तरबूज। पपीता और तरबूज होते हैं हमेशा एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है एक्चुअली, है ना। और उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सरसों का पौधा आप देख सकते हैं या फिर गुड़हल गुड़हल, ये दोनों चीज़ें होती है जो उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो फटाफट अंदाज में देख लेंगे, आप हमेशा रिमेंबर कर रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। और हम लास्ट बात करेंगे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की हम बात करेंगे। तो देखो, नया जीव उत्पन्न होता है एकल जीव से, एक ही जीव से एक नया जीव पैदा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, दो जीवों की जरूरत पड़ती है, जैसे नर एवं मादा, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन की प्रजाति है वो लैंगिक जनन है, और जो पेड़ पौधे की प्रजाति है वो एकल जीव है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, युग्मक बनते हैं क्या, इसमें तो नहीं बनते, और इसमें हाँ बनते हैं ना, इसमें नर या मादा दो युग्मक बन सकते हैं ना, जब स्त्री और पुरुष के मिलन से, स्त्री पुरुष के मिलन से क्या होता है, हाँ नर या फिर मादा, ये दोनों में से कोई, यानी कि बच्चा शिशु हो सकता है, शिशु लड़का हो सकता है या फिर शिशु लड़की हो सकती है। तो यहां से दो चीजें हमें निकल के आती है। और हम अलैंगिक प्रजनन में बात करेंगे तो नया जीव क्या है, पितृक जीव के समान होता है, पैतृक जीव, जैसे मम्मी पापा होंगे, जैसे पापा मम्मी होंगे, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम होगा, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंस नहीं होते, एग्जैक्टली सेम नहीं होते स्टूडेंट्स। यहीं पे हम थोड़ी सी बड़े क्वेश्चन की भी तैयारी कर लेते हैं। देखो प्रश्न पांच में हम देखते हैं दीर्घ प्रश्न, यानी कि तीन नंबर चार नंबर के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो कुछ हम क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है, और कहते हैं कि कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं, कायिक संवर्धन से लाभ क्या होते हैं। तो देखो फटाफट देखो, बीज उत्पन्न न करने वालों के लिए उपयोगी होता है, होता है क्या, जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होता उसके लिए कायिक संवर्धन बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, नए पौधे और जनक के समान होते हैं, एग्जैक्टली जो नया पौधा होता है वो बिल्कुल अपने जनक यानी मदर फादर के समान ही होता है, और ये बीज रहित होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी बीज नहीं होता, और सस्ता और आसान तरीके से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता व आसान तरीका होता है इनका, और बहुत ही आसान तरीके से ये मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कायिक संवर्धन से हमें लाभ क्या है, तो बीज नहीं होता है इसके अंदर, और नया पौधा बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, इसमें बीज नहीं होता, नया पौधा बिल्कुल बन जाता है, सस्ता और आसान तरीके से ये अवेलेबल हो जाता है, यानी बन भी जाता है। दूसरा है, बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है। देखो शॉर्टकट में हमने आपको समझाया कि सबसे पहले परागकण से स्टार्ट करेंगे, परागकण से सीधे पराकोष में जाएगा, और पराकोष से होते हुए वर्तिकाग्र तक चला जाएगा, और वर्तिकाग्र होते हुए जैसे वर्तिकाग्र से सीधे अंडाशय तक मिल जाएगा, तो इस तरह से वहां पे आपको बीज का निर्माण हो जाएगा। निषेचन की बात क्या होगी, तो निषेचन में देखो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, यानी नर और मादा दोनों साथ मिलेंगे, तो नया युग्मक आपको युग्मनज बन जाएगा, है ना, तो नया युग्मनज बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी टोटल प्रोसेस को आप बोलते हैं निषेचन, है ना। युग्मनज क्या होता है, तो भ्रूण, भ्रूण जो देखो युग्मनज क्या होता है, भ्रूण, और भ्रूण से सीधा बीज बन जाता है, तो यही तो है युग्मनज। अब हम बात करें अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, फल और फूल के अन्य भागों का झड़ना। अगर अंडाशय हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि फल या फिर फूल के अन्य भागों का झड़ना हो जाता है शुरू। एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्या, कि जब अंड का निषेचन ना हो तो क्या हो, जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो होता क्या है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि गर्भाशय की मांसल भित्ति टूट जाती है और रक्त तो व म्यूकस बाहर निकल आता है, जिसको आप बोलते हो रजोधर्म या ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुन लो कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है मादा में, तो क्या होता है कि गर्भाशय की मांसल जो होती है, भित्ति जो होती है, वो बिल्कुल टूट जाती है, टूट के बहने लग जाता है, और म्यूकस, म्यूकस या फिर रक्त के थ्रू वो सीधे म्यूकस रक्त से बाहर निकल आता है, और इसी बात को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है, जब भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ बातें करेंगे कि गर्भ निरोधन के तरीके, गर्भ को कैसे रोका जा सके, अनचाही गर्भ को कैसे रोका जा सके, है ना, शादी से पहले फिर शादी के बाद, इस तरह की जो चीज़ें होती है उससे कैसे रोका जा सके, समय से पहले समय के बाद। यांत्रिक अवरोध, देखो सबसे पहले क्या है, यांत्रिक अवरोध एक तरीका होता है जिसके अंदर नर या तो कंडोम लगा सकता है, या फिर मादा जो होती है, महिलाएं होती है, वो सर्वाइकल कैप लगा सकती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इंटरकोर्स होता है महिलाओं और पुरुष का, महिला और पुरुष का, तो उसमें क्या होता है कि आप गर्भ से बच सकते हैं ना,
सेक्सुअल सेक्स के जब इंटीमेशन के दौरान सेक्सुअल के दौरान, तो आप जब कंडोम, अगर नर अगर कंडोम लगा लेता है और मादा अगर सर्वाइकल कैंप लगा लेती है, तो इससे गर्भ निरोधन से बचा जा सकता है। दूसरा रासायनिक तरीके भी हैं जिसमें दवाइयों और इंजेक्शन है, और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि या फिर कॉपर टी भी, महिलाएँ कॉपर टी भी लगाती हैं, तो दवाइयाँ और इंजेक्शन के थ्रू 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक इस तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, जिससे डॉक्टर अगर आपको इंजेक्ट कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दे डॉक्टरों के थ्रू, तो आपको इस तरह से आप गर्भ से बच सकते हैं ना। इसके बाद हम देखो IUCD क्या होता है, तो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी ना बहुत बार आपने देखा होगा पेपर में ये चीज पूछ सकता है कि IUCD क्या होता है, तो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ध्यान से सुन लो, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना। शल्य टेक्निक क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों को क्या होता है, उनकी नसबंदी कर जाए, नर के लिए नसबंदी है और मादा के लिए ट्यूबेक्टोमी ध्यान से सुन लो। शल्य प्रक्रिया में क्या होता है कि नर जो होता है, नर के लिए नसबंदी हो जाती है और मादा के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। तो ये ध्यान रखो कि गर्भ निरोधन के तरीके इस बार 2021 के लिए एकदम 110% समझो स्टूडेंट्स, मैथ्स मिरेकल की तरफ से यूं तो सारे इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको 110% आ रहा है, तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आप इसको देख के जाएंगे। इस वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम बता देते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है कि आप सोच ही नहीं समझ सकते, इतनी भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हर एक इंपॉर्टेंट बुक में आपको ये सारी कुछ रखे हुए हैं। तो आपको देखो पहला क्या था, विलक्षण वैकल्पिक लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें तरह तरह के लक्षण अलग अलग तरह के दिखा, और इनका क्या जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन इसलिए किया गया क्योंकि विकल्पी लक्षण दिखाई देते हैं पहला, दूसरा जीवन काल इनका बहुत ही छोटा होता है, और तीसरा होता है अनेक बीज पैदा होते हैं, एक साथ ही कितने बीज पैदा हो जाते हैं, और क्या होता है लास्ट और अंतिम है स्व व पर परागण दोनों ही इसमें होता है, जिसकी वजह से इन 4 वजहों से ही मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से देखो, बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि आपको क्या होता है कि मेंडल क्यों लिया, क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा है, क्यों, क्योंकि इसमें स्व परागण और पर परागण दोनों होते हैं, अनेक बीज एक साथ पैदा हो सकते हैं, इसके अलावा जीवन काल इनका बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और विकल्पी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, तरह तरह के विकल्पी, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बौना पौधा हो जाता है, कोई बड़ी कोई 3 महीने में खत्म हो जाता, 3 महीने में दूसरे पौधे जा सकते हैं। तो इसलिए चूंकि एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट में बैठना ना पड़े, लगातार अगर एक पौधा खराब हो गया तो दूसरा पौधा हम ले सकते हैं, तो इसलिए ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको मेंडल के पौधे द्वारा आपको देखना है, आपको निकालना है, चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एकल संकरण में एक्चुअली होता क्या है, तो एकल संकरण में एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस सेक्शन होता है, सुन लिया आपने, एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे कैसे देखो, जनक अगर मान लो, जनक अगर लाल फल है, रेड रेड हमने ले लिया, और इधर हमने ले लिया सफेद फल, व्हाइट रेड रेड स्मॉल रेड स्मॉल रेड, इनको हमने रेड वाले को कैपिटल आर से डिनोट करा है, और इधर सफेद वाले जो फल है उनको हमने स्मॉल आर से डिनोट करा। अब इनके बीच हम युग्मनक यानी कि क्रॉस सेक्शन, यानी इनके बीच हम मध्य क्रॉस करा रहे हैं, मध्य क्रॉस कराएंगे एक जोड़ी विकल्पी पौधे के लिए। देखो एक जोड़ी एक, ये एक जोड़ी ये, तो दोनों मिलकर एक जोड़ी हुआ ना, क्योंकि ये नर ये मादा इस तरह से मिलाने का, अगर हम समझे तो एग्जैक्टली नर मादा का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम बता दें कि जनक में मान लीजिए ये रेड वाला फल है और ये व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला है मतलब हमने रेड से स्मॉल आर से डिनोट करा ओनली। अब देखो यहां से एक रेड यहां गया, यहां से एक रेड यहां ले गया, यहां से एक स्मॉल आर यहां आ गई, यहां से एक स्मॉल आर, तो 4 हो गए सेपरेट। अब चलो हम बारी बारी से क्रॉस सेक्शन कराते हैं, इस वाले रेड को हम यहां लेके आए और यहां से एक और रेड, इन दोनों का जब आपस में क्रॉस सेक्शन हुआ, ये दोनों आपस में मिले तो क्या मिल सकते हैं, यहां से कैपिटल आर यहां से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेंगे ना भाई। तो देखो एक बात याद रखो कि ये होता है आर, यानी कि कैपिटल आर जो होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल आर हमेशा होता है डोनर, क्या होता है डोनर, क्या होता है डोनर, और स्मॉल आर क्या होता है रिसीवर,
रिसीवर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जहां पे आर लिख गया, यानी कि जहां पे कैपिटल आर दिख गया आपको, आप समझना कि ये वाला हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लाल पौधा है तो हमेशा ही लाल बन जाएगा। ये कहीं भी एक जोड़ी एक भी दिख गया, ये एक भी दिख गया तो आपको लाल ही बनेगा। तो ध्यान देखो, यहां से आर आया, यहां से स्मॉल आर आया, तो आर चूंकि डोनर है इसलिए अपने जैसा आर ही बना देगा, यानी कि आर क्या है एक्चुअली, लाल फल है, तो लाल ही फल वाला पौधा बनाएगा ये, ध्यान से सुन लो। अच्छा चलो, अब ये वाली आर मान लो इस वाले के साथ मिलेगा, ये तो पहला वाला मिला था ये दोनों, अब यही वाला मिला और दूसरे वाले आर के साथ, स्मॉल आर इधर वाला स्मॉल आर के साथ मिला, तो ये दोनों मिलेंगे, तो यहां भी आर कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर होने की वजह से, चूंकि आर डोनर है इसलिए ये भी आपको कैसे बनाएगा, ये भी आपको रेड ही बनाएगा, रेड पौधा ये बनाएगा। चलो नेक्स्ट हम दूसरा वाला ले लेते हैं, ये वाला आर, ये इसका तो पूरा जितना भी पॉसिबिलिटी थी आपने ले लिया, इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी आपने ले लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस वाले आर की बात करते हैं, इस वाले आर में भी देखो, ये वाले आर यहाँ गया और यहाँ से स्मॉल आर आ गया, दोनों मिलके क्या हो गया, आर कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर होने की वजह से ये क्या होगा, कैसा बनेगा, कैपिटल आर का फॉर्मेट क्या है, देखो लाल फल, तो लाल फल ही बनेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये आर की पॉसिबिलिटी इस वाले के साथ करके देखते हैं, तो ये वाला आर यहाँ से गया कैपिटल आर, ये वाला आर यहाँ से, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर होने की वजह से जो हमारा फॉर्मेट है वो लाल फल ही बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों में आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल, यानी कि कुल मिला के जो हमें सभी लाल पौधे बन के निकल के आएंगे, जो कि सभी लाल पौधे, क्यों, क्योंकि आर जो है आपने पहले बताया कि ये डोनर है और डोनर होने की वजह से लाल पौधा बनाएगा और लाल बोले तो लाल फल बनाएगा। तो जहां भी कैपिटल आर दिखा वो आपका हो गया, सीधा बात खत्म। ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। अगर हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करें तो बड़ा ध्यान से देखने आए, क्योंकि यहीं पे इस वाली यही चीज को समझा के हम इस वीडियो के यहीं पे फिनिश कर देंगे। देखिए, अगर F1 को F1 जनरेशन के साथ मल्टीप्लाई करा जाए, यानी कि देखो ये तो आपका युग्मनज हो गया, यानी पहला जनरेशन तो आपको ये मिला, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर हमने यहां ले लिया और एक और ले लिया स्टूडेंट, मान लीजिए इन चारों में से कोई एक और ले लिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब सेकंड जनरेशन में जब हम देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में यानी F2 जनरेशन में क्या निकल के आता है, ये F2 जनरेशन है और ये आपका F1 जनरेशन है जिसमें हमने F1 से मल्टीप्लाई कराया है। देखो तो अब यहां से कैपिटल आर हो गया, यहां से स्मॉल आर सेपरेट सेपरेट कर दिया, यहां से कैपिटल आर यहां से स्मॉल आर, बहुत ही आसान है। स्कूल में कॉलेज में जहां भी पढ़े होंगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आया होगा, है ना, दिमाग के अंदर हौचपच होगा, लेकिन ये मेंडल का है, मेंडल का थ्योरम है, मेंडल का प्रयोग है, तो मेंडल का प्रयोग देखो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे तो मैथ्स मिरेकल आपको आसानी से समझा देगा, लेकिन अगर दिमाग में कोई कॉम्प्लिकेशन यानी जटिल चीजें लेके चलेंगे तो समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीजें आपके पास है उसको खाली कर दो और दोबारा से आप देखो कि हमने एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं, पहला वाला आपको रिवाइज करवा के देखते हैं कि एकल संकरण में होता क्या। देखो कैपिटल आर फर्स्ट जनरेशन चल रहा है, स्मॉल जन ये एक जोड़ी है, कैपिटल आर स्मॉल आर की जोड़ी होती है, तो आर आर ले लिया और स्मॉल आर यहां से एक आर सेपरेट, यहां से एक आर सेपरेट, यहां भी दो आर है तो एक आर इधर सेपरेट सेपरेट हो गया। आपको हमने पहले बताया कि आर कैपिटल होता है वो डोनर होता है, लाल रंग का होता है, स्मॉल आर होता है रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है चीजों को। अब देखो यहां से हमने सेपरेट कर दिया, ये आर यहां से आ गया, एक आर यहां से, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर होने की वजह से लाल फल, यहां से ये वाली आर दूसरी पॉसिबिलिटी हमने इसके साथ निकाल के देखा, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर होने की वजह से फिर से लाल फल, हमने दूसरा वाला आर लिया कैपिटल वाला, यहां से एक स्मॉल आर, यहां से छोटा वाला आर मिला दिया हमने, आर कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर होने की वजह से डोनर है, डोनर होने की वजह से ये लाल फल मिलेगा, अगेन ये इस आर की पॉसिबिलिटी हमने स्मॉल आर से निकाली, फिर से कैपिटल आर दिख गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे सब में कैपिटल आर है, सब में कैपिटल आर होने की वजह से सबके सब जो हमें पौधे मिल रहे हैं वो लाल पौधे मिल रहे हैं। मेंडल यही तो बोल रहा है, मेंडल हमारा क्या बोला, यही तो बोला मेंडल का प्रयोग, इसीलिए तो देखा है कि मेंडल का तो क्या प्रयोग, मेंडल का यही प्रयोग है। अच्छा अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है जो कि आप फोटो देख रहे हैं। अब हम जनरेशन में F1 को F1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक यहां से उठा लिया और एक यहां से उठा लिया, कोई भी ले लो आप। अब देखो दोनों को सेपरेट कर दिया, यहां सेपरेट कर दिया। चलो जी अब यहां ये जो आर है, आर को हमने यहां ले लिया और यहां इस वाले आर से हमने क्रॉस सेक्शन करा दिया, तो आर और आर होने की वजह से आपको देखो दोनों चुप चुके, दोनों डोनर मिल गया, दोनों आपको डोनर मिल गया, क्योंकि आर आपका क्या है, आर आपको हमने पहले ही बनाया है, बताया है कि ये डोनर है सर, ये डोनर, जहां भी आर दिखेगा समझो वो डोनर है, यानी अपने जैसा बना देगा। तो आर होने की वजह से कैसा पौधा मिल जाएगा, वो फिर से वही लाल पौधा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सभी लाल पौधे मिलेंगे, आपको पता है ना,
अब आपको पता है ना ये आरआर क्या होता है, लाल पौधा होता है, तो यहां भी आरआर होने की वजह से ये आपको लाल पौधा मिल गया। इसी तरह से देखो फिर से पॉसिबिलिटी, तो ये वाली आर को हमने इधर वाले आर से क्रॉस सेक्शन कराया, तो आर और आर, यहां कैपिटल आर या स्मॉल आर, फिर से क्या, चूंकि ये आर कैपिटल है और आर का मतलब होता है डोनर, डोनर होने की वजह से लाल फल वाला पौधा ही मिलेगा। ध्यान से सुन लो, यहां भी लाल फल क्योंकि ये दोनों रेड रेड है इसलिए ये लाल लाल फल मिलेगा। अब यहां देखो यहां भी स्मॉल आर कैपिटल आर लाल फल, जहां भी कैपिटल आर दिखा समझो लाल फल। अच्छा अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं यहां से स्मॉल आर की, स्मॉल आर इसकी पहले वाले से करते हैं, स्मॉल आर यहां से आया, ये स्मॉल आर यहां से आया, कैपिटल आर ये वाली है, स्मॉल आर यहां से आया, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर दिख गया ना, कैपिटल आर दिखा इसका मतलब क्या हुआ, डोनर, डोनर होने की वजह से क्या हुआ, लाल फल मिलेगा। अब फिर से देखो ये स्मॉल आर और यहां से स्मॉल आर, ओ हो, ये कंडीशन ऐसा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट मिला है, अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली है। तो ऐसे में मेंडल ने ये बताया है कि स्मॉल आर होने की वजह से, चूंकि दोनों के दोनों रिसीवर हो जाते हैं और रिसीवर होने की वजह से, चूंकि जो स्मॉल आर क्या होता था, स्मॉल आर आप देखो यहां पे देखो सफेद फल था, तो इसलिए पहली बार जो मिली है वो आपको स्मॉल आर होने की वजह से सफेद पौधा मिला है, जो कि अभी का जो रेशियो है बिल्कुल डिफरेंट है। देखो 1:1:1 यानी 3:3:1, ये पहली बार एक बार मिला है, तो 3:1 यानी कि फिनोटाइप के केस में लाल सफेद का जो रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स वो 3:1 मिलेगा। ध्यान से सुन लो, फिनोटाइप के केस में लाल और सफेद रंग के जो पौधे की बात आएगी रेशियो मिलेगा, तो वो रेशियो आपको मिलेगा 3:1, और जीनोटाइप के केस में आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर के केस में 1:2:1 ही मिलेंगे जब आप इनका जीनोटाइप कराएंगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये 25 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो इस पूरी वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 25 मिनट की वीडियो में देखो कितने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है, तो जितना जल्दी हो सके मेंडल का प्रयोग, उसके अलावा डिफरेंसेस जो हमने डिफरेंसेस आपको पहले बताया है कि डिफरेंसेस में आपने देखा है वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, धमनी शिरा में अंतर, स्वपरागण परपरागण, उसके अलावा आपने देखा जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण, उसके अलावा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, एकलिंगी पुष्प अवैलिंगी पुष्प, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन, न जाने कितनी सारी बातें हमने कराया है, मेंडल का प्रयोग देखा है, कारण बताओ बताई है, किसी आहार श्रृंखला में 10% से नियम ज्यादा क्यों लगता है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैथ्स मिरेकल की ये सारी वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है, अगर आप एक बार देखो इसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि मैथ्स मिरेकल जब 2021 के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहा है और बायोलॉजी की प्रिपरेशन लेके आया, तो उम्मीद करो और यही निश्चिंत मानो कि यही क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।